रात फाइनल ट्रेड दोपहर 1:56 से नॉनस्टॉप 3:30 तक सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ, प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, मैं हूँ दीपक डोभाल। इंडियन फिलॉसफी में यानी कि भारतीय दर्शन में पौराणिक काल से इंसान जब किसी दुविधा में फंस जाता था तो उसके लिए कई मार्गों का ज्ञान दिया जाता था। जब आदमी बहुत ज़्यादा फंस जाता था तो उसको आखिर में 3 मार्गों में जीवन को आगे बढ़ाने का सार बताया जाता था। ये मार्ग थे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या प्रेम मार्ग। अब कई लोग जो मार्गों को चूज करने में सफल हो जाते थे तो उनका जीवन तो उद्धार हो जाता था, लेकिन कई लोग कन्फ्यूज हो जाते थे। और ठीक इसी तरह की स्थिति, दुविधा 10वीं कक्षा के बच्चों के मन में इस वक्त है। और उनके सामने भी 3 मार्ग हैं। पहला विज्ञान मार्ग यानी कि साइंस स्ट्रीम, दूसरा कॉमर्स स्ट्रीम यानी कि वाणिज्य मार्ग, और तीसरा कला यानी कि आर्ट स्ट्रीम। तो क्या हम बच्चों की उस दुविधा को दूर कर पाने की स्थिति में हैं? क्या हम बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये समझ पाने की स्थिति में हैं, या हम उन्हें अपने ही बनाए हुए संसार के नियम कायदों के जंजाल में और उलझाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि इस वक्त कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेपर्स ख़त्म कर दिए हैं और अब वो जीवन में आगे बढ़ने का अपना अगला सोपान तय करने की स्थिति में है। इसलिए उनके मन में क्लैरिटी हो, क्या उन्हें जीवन में करना है, इस बात का उन्हें स्पष्टतः निर्देश मिले, आदेश मिले या फिर मार्ग प्रशस्त हो, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमानों का पैनल और खुद साक्षात 10वीं कक्षा के छात्र भी मौजूद हैं। आज बहुत दिलचस्प चर्चा रहने वाली है, कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं 10वीं के पार मौके हजार। और आइए आज के मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा दें। हमारे साथ हैं जेम्स एजुकेशन के ईडी फ्रांसिस जोसेफ साहब। फ्रांसिस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ हैं करियर गाइडेंस के डायरेक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जाने माने करियर काउंसलर वैभव पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत कीजिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे देश के भविष्य, इस आने वाली पीढ़ियों के भविष्य जिनके ऊपर हमने चर्चा का आयोजन किया हुआ है। हमारे साथ हैं 10वीं कक्षा के छात्र जिनके लिए यह आयोजन खास तौर पर किया गया है। जोरदार तालियां बच्चों अपने लिए बजा दीजिए। अगला कुछ समय आप लोगों का है, यूं तो अब जिंदगी का सब कुछ आपका ही है, लेकिन जी बिजनेस पर अगले कुछ मिनट आपके लिए हैं और आपके माध्यम से उन बच्चों के लिए हैं जिनके मन में अभी तक दुविधा है कि 10वीं के बाद आखिर करें तो करें क्या। तमाम तरीके से, तमाम पहलुओं पर हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके लिए हम शुरुआत करते हैं, प्रवीण जी के पास चलने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, बच्चों की सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि कौन सा स्ट्रीम चुनें, जो बुनियादी समस्या है, साइंस में जाएं, आर्ट्स में जाएं या कॉमर्स में जाएं। मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो साथ के बच्चे कुछ और कहते हैं, अखबार या सोशल मीडिया उठाते हैं तो वहाँ से कुछ और ही थ्योरी निकल रही होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा मंत्र है कि एक बच्चा मुकम्मल तौर पे ये कह सके कि यस, मुझे मेरा मार्ग मिल गया और अब मैं इस स्ट्रीम को चुनूंगा? भाई, मैंने तो ऐसे बहुत कम बच्चे देखे हैं जिनको 10वीं के बाद ही पता हो कि जिंदगी भर क्या करना है। वैसे तो मैंने 40 साल के लोग भी बहुत कम देखे हैं जिनको पक्का पता होता है कि उन्हें क्या करना है। एट एवरी स्टेप रास्ता खुलता जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कम से कम ये ना पता हो कि क्या करना है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन के मेथड को बहुत मुश्किल समझते हैं तो रिजेक्शन कर कर के, एलिमिनेशन कर कर के आप काफ़ी करीब जा सकते हैं एक सही चुनाव की तरफ।
तो माई सजेशन इज ओनली दिस कि एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ विथ वॉट इज इट दैट यू हेट डूइंग, वॉट इज इट दैट यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू. तो इससे आपके बहुत सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे. सो दैट इज वन वे. एंड दसवीं मैम, क्या हमारे बच्चे आज उस स्थिति में हैं कि वो किस स्ट्रीम में जाएं, वो ये खुद तय कर पाए? क्योंकि मैं जितना जानता हूं और जिस एक्सपीरियंस से हम आते हैं, उसमें तो ज्यादातर वही बातें माननी होती है जो टीचर्स कह रहे हैं, जो पेरेंट्स कह रहे हैं या जो सोसाइटी कह रही है. तो क्या बच्चे इस स्थिति में हैं कि वो तय कर पाए? बिल्कुल नहीं स्थिति में है. और ऊपर से ये जो 2 साल कोविड के हुए ना, जिसमें बच्चे सिर्फ ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में चक्कर काटते रह गए, उनको वाइडर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में तो और भी कम वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि वो डिसाइड कर पाए. और ज़रूरी भी नहीं है कि एकदम कर पाएँ. हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए. क्योंकि एक बार आपने बच्चे को ढाल दिया कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में तो चलो साइंस वाले बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, जो कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ के भी, लेकिन बहुत बार बच्चे जानकारी की लैक ऑफ जानकारी के कारण कुछ कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं. जैसे मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगा, सिर्फ अच्छा नहीं लगा तो आपने मैथ्स छोड़ दिया. अब आपने मैथ्स छोड़ दिया पर आपका मैथ्स बुरा नहीं था, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. तो इसका उपाय सिर्फ ये है कि आप एवरी डिसीजन दैट यू टेक बेस इट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉट ऑन. कहाँ पर धुंध छाई हुई है मुझे समझ में आया. अब जरा इस धुंध को छाटने की कोशिश करते हैं. अब सवाल ये, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया. वैभव पांडे, मैं आपके पास आना चाहूँगा. डिसाइड कौन करेगा कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, मुझे कौन सा करियर पाथ चुनना है, ये डिसाइड करने वाली एंटिटी कौन होना चाहिए? बच्चों को लगता है कि वो होने चाहिए, माँ बाप को लगता है कि नहीं वो डिसाइड करेंगे, और कई बार सोसाइटी कहती है कि नहीं भाई अब आप हमारे पास आओ, देखो एक्सपीरियंसेस, देखो सक्सेस स्टोरीज, देखो किस किस में ज़्यादा सक्सेस मिली है लोगों को, वो देखो. तो एंटिटी जो हो चुनने की, कोई करियर पाथ, वो क्या हो? वैभव, देखिए बड़ी अच्छी एक अंग्रेजी में कहावत है, नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस. तो सारे लोग अगर मिलके कंबाइंड डिसीजन लें और फाइनल वीटो पावर बच्चे के हाथ में रहे तो बढ़िया रहेगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जानकारी का अभाव. मैं आपको 2-3 पॉइंट्स देता हूं जिससे थोड़ी क्लैरिटी आ सके. अगर हम बच्चों से इस बारे में बात कर सकें कि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है, इंटरेस्ट किस तरफ है, और जिस तरफ इंटरेस्ट है उसको करने में उनका पोटेंशियल कैसा है. माने अगर आप बोलें कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, लेकिन जब आप रीजनल मैचेस में खेलने जाते हैं तो 0 पे आउट होते हैं, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता कि आप क्रिकेट को एक लॉन्ग टर्म करियर माने. अब मैं इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी में लगातार मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई काम ऐसा आप करें कि स्टैटिस्टिशियन बने, आप मैथ्स में कोई करियर बनाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा, पेरेंट, स्कूल, सब स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, वो मिल बैठ के बात करें और ये बात डिसाइड करें कि असल में जो फैसला लेना है क्या वो बच्चे के पोटेंशियल इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ है या नहीं. इवन फैमिली को बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो को देखना होता है. जो फीस फैमिली लगाने वाली है क्या उसका आउटपुट उस पर्सनल उस पर्टिकुलर फील्ड से आएगा नहीं, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे के साथ संवाद को खोलें. कहते हैं कि हर ताला खुलता है, बस आपको एक अच्छी जुबान से उसको डिस्कस करने वाला इंसान चाहिए. तो हमारे तरफ से तो सिर्फ इतना सही फीडबैक रहेगा कि सबकी सुने, लेकिन अंत में बच्चा अपने मन की करे. कई बार बच्चे कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा दरवाजा खटखटाऊं और समझ में नहीं आ रहा रहा क्या है, तो उनसे मैं कहता हूं कई बार कई चौखटों से लौटे हो निराश होकर तुम, एक ही चौखट बार बार खटखटाते तो नतीजा जरूर आता. तो अपने मन की चौखट को खटखटाएं और ये बात समझें कि अगर आपका इंटरेस्ट, आपका फैमिली का डिस्कशन, अगर आपका पोटेंशियल उस तरफ है तो आपको कोई भी बाधा आपके पार नहीं पा सकती और आप जीत आपकी होगी. एब्सोल्युटली, इतने वाली बात लगता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है यहाँ पर कि आपने जो कहा कि संवाद के द्वार, जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो खोलने चाहिए, वो विद इन बच्चों में, आपस में, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ. जब तक आप संवाद नहीं करेंगे तो कोई मुकम्मल नतीजे पर पहुंच नहीं जाएंगे. और जो भेड़ चाल का हिस्सा हो जाना है वो तो कतई नहीं होना कि मुझे किसी ने कहा है कि आर्ट्स में जाओ तो ये हो जाएगा, साइंस में जाओ तो ये हो जाएगा, या कॉमर्स में जाओ, वो नहीं करना है. संवाद कीजिए, आत्ममंथन कीजिए,
पेरेंट्स के साथ, खुद के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ और सोसाइटी के साथ। अब सवाल ये आता है कि इसमें स्कूल्स का क्या रोल हो सकता है, क्या स्कूल्स हमारे उस स्थिति में हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मैच्योर हो पाई है कि वो एक बच्चे को सही सही तरीका दे पाए। जोसेफ साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कई बार हमने देखा है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है और हमारे पास कई इस तरह की शिकायतें भी आती हैं कि माना कोई स्कूल है, उनके पास सिर्फ आर्ट स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, उनके पास कॉमर्स का कोर्स नहीं है, किन्हीं किन्हीं कारणों से, खासतौर से छोटे शहरों में ये होता है, तो पूरा स्कूल और उसका तंत्र ये समझाने में लग जाता है बच्चे को कि कॉमर्स के अलावा कुछ भी कर लो जीवन में, कॉमर्स नहीं करना, क्योंकि उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, वो नहीं चाहते कि बच्चे छिटक के कहीं और चले जाएं। तो कई बार पूर्वाग्रह का शिकार स्कूल्स भी होते हैं। ऐसे में आप स्कूल्स की भूमिका क्या मानते हैं बच्चे को 10th के बाद एक सही पाथ देने के लिए? मिस्टर जोसेफ, आई थिंक ये द ब्लेम हियर इज नॉट द स्टूडेंट्स, द ब्लेम टोटल इज एजुकेशन सिस्टम पे है, राइट? दिस इज द सिस्टम वी हैव गिवन टू आवर चिल्ड्रन, वेयर अ चाइल्ड जो इंटरेस्ट है उनका, उनको करने को मौका नहीं मिल रहा है, राइट? और एक एस्केप रूट नहीं मिलता, राइट? आई थिंक एनईपी एड्रेसेस इट वेरी वेल, काफी एस्केप रूट बनाया है ताकि एक बच्चा अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ज्वाइन करे, देयर इज स्टिल एन एग्जिट रूट सो दैट द चाइल्ड कैन कम आउट और मे बी गेट ऑन टू कॉमर्स। तो ऐसा एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। राइट नाउ देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकेंडली, आपने जो बोला ये schools not offering commerce, and which is very very wrong. I think certain options should be given maximum, right from college point of view or board point of view also. Abhi aap dekhe certain education boards hain to jo kafi options dete hain. For example, Cambridge gives a lot of options to children. So agar aapko music mein bhi aage career banana hai, there is a subject option where you can qualify. So I think boards and governments and schools have to give multiple options. अभी वो करते नहीं है क्योंकि उनको वैसा रिसोर्स मिलता नहीं होगा स्कूल में, राइट? इफ आई हैव टू गो फॉर अ स्पेशलिटी सब्जेक्ट, उसका रिसोर्स नहीं होगा, टीचर नहीं होगा वो पर्टिकुलर एरिया में, सो दे डोंट ऑफर। बट आई थिंक विद वर्चुअल टाइम यू कैन ऑफर एनीथिंग, राइट? अगर मुझे एक स्पेशलाइज लैंग्वेज भी सिखाना है या पर्टिकुलर स्किल सेट सिखाना है, आई कैन यूज टेक्नोलॉजी, इधर टीचर कैन ट्रेवल टू टीच दैट चाइल्ड दैट पर्टिकुलर स्किल सेट। बिल्कुल, आई थिंक टोटल रिवैम्पिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज मैंडेटरी। एब्सोल्युटली, आपने देखा हो, यस एब्सोल्युटली सर। और अब जरा हम चलेंगे आज की हमारी चर्चा के केंद्र बिंदु, यानी कि बच्चे। बहुत सारे बच्चे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कराया था, बहुत सारे बच्चे, बड़े जिज्ञासु बच्चे, बड़े विद्वान बच्चे हमारे सामने हैं। उनसे समझते हैं कि उनके मन में क्या जिज्ञासाएं हैं 10th के बाद को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम ओमकार वर्तक है, मैं रायन इंटरनेशनल ब्रांच नलासोपारा में पढ़ता हूं। तो ओमकार, आपके मन में क्लैरिटी है कि क्या करना है या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं? थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, बिकॉज मेरा एक पर्सनल खुद का ओपिनियन है कि मुझे कुछ बनना है, लेकिन सोसाइटीज़ के जो व्यूज़ हैं उस हिसाब से भी आजकल किसी किसी स्ट्रीम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इस हिसाब से कभी कभी लगता है कि जो पाथ मैंने चूज़ किया है या मैं करने जाने वाला हूँ, क्या वो सही होगा, क्या वो मुझे मैक्सिमम आउटपुट देगा मेरे फ्यूचर में, तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है। तो आपने जो स्ट्रीम चुनी है, मैं अभी नहीं आऊँगा कि कौन सी स्ट्रीम है, आपने जो स्ट्रीम चुनी है वो क्या सोच के चुनी है? आपने वो किसी प्रेशर में चुना है, या आपने देखा कि वो ट्रेंडिंग है, या आपके मन में एक धारणा है कि इसमें बहुत अच्छा करियर है, या आपको ये लग रहा है कि आपको वो स्ट्रीम में जाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है वो पढ़ाई करने में? वो जो सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड आई एम एबल टू एक्सेल इन इट लाइक एट माय मोस्ट। तो उस सब्जेक्ट को करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, आई कैन डू दिस। तो जब मैंने वो सब्जेक्ट करने के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जब मैं आई गेस 9th-10th में था, तब मुझे पता चला कि ये सब्जेक्ट का ऐसा ऐसा करियर है, एंड आई कैन एक्सेल इन इट, कि मैं इसे मास्टर्स कर सकता हूँ और मैं इसे 10th के बाद भी और पढ़ सकता हूँ, तो वो जान के मुझे अच्छा लगा। तो आप बता दीजिए, आप कौन सी स्ट्रीम चुनी है आपने? एडवोकेट, लॉस पढ़ना है मुझे। लॉ पढ़ना है आपको, ओके। तो इसको, लॉ को लेकर आपके मन में कोई उहापोह की स्थिति है कि 10th के बाद मैं लॉ में कैसे जाऊंगा? नहीं, मेरा जो मेन लाइक प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है कि आजकल इफ यू आप देखेंगे तो जेई मेन स्ट्रीम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो जो स्टूडेंट्स उन चीज़ों को अडाप्ट करके उसमें एक्सेल करते हैं, उन्हें एक हायर इंपॉर्टेंस मिल जाती है हम जैसे बच्चों से, जो एक अलग पाथ चूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है ये एक मास ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये सवाल, कि बच्चे
कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उनमें तरह तरह के अवरोध बना दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इंजीनियरिंग तो देना ही देना है, मेडिकल तो देना ही देना है, यूपीएससी की तैयारी तो करनी करनी है। जबकि ओमकार के केस में, मैं प्रवीण जी आपके पास ही आना चाहूँगा, ओमकार के केस में वो लॉ करना चाहते हैं, अगर वो जेईई की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो वो उससे कोई उनके लॉ के जो उनका करियर वो चाहते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नीट की परीक्षा ना देना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूपीएससी का एग्जाम ना देना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल। तो क्या ये सोसाइटी अलाउ करेगी ओमकार को? क्यों नहीं करेगी? सी, जब तक ओमकार ये नहीं बताता है कि मुझे तो लॉ ही करना है, तब तक सोसाइटी उसको 10 ऑप्शंस और 10 तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ओमकार अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि मुझे लॉ करना है, तो फिर आई डोंट सी वाई उसमें सोसाइटी का रोल तो हट ही जाता है। और जहां रही लॉ की बात, वहां जेई का कोई तालमेल, बट ओमकार का डिटर्मिनेशन देखिए मैम, वो कह रहे हैं, ओमकार कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन उनका सवाल ही यही है, उनकी जो उधेड़ बुन है मन की, वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि किसी स्ट्रीम, पर्टिकुलर स्ट्रीम को क्योंकि दुनिया ज्यादा तवज्जो देती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे भी आगे जाके डिस्करेज किया जाएगा? बिल्कुल नहीं डिस्करेज किया जाएगा। स्ट्रीम्स तो 3840 है, जॉब्स और करियर ऑप्शंस तो, पर लेकिन आपको तो वही करना है जो आप कम से कम 15-20 साल तक लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कर सकते हैं खुशी खुशी। और उसके अंदर अब तो क्या हो गया है कि हर 4-5 साल में हर करियर में इतना बदलाव आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये चैट जीपीटी वगैरह देखो, उससे कितने करियर्स ख़त्म हो गए। तो आप ऐसा क्या काम है जो लगातार कर सकते हो और जिसमें आप लगातार सेल्फ लर्निंग कर सकते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि आपने, मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आए हुए एक एक बच्चे एक बहुत बड़े मास स्टूडेंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वृहद रूप में, बिगर पर्सपेक्टिव में इन सवालों को ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या चौधरी, आई एम फ्रॉम राहुल इंटरनेशनल स्कूल, नालासोपारा ब्रांच। तो सौम्या, आपके मन में कोई स्ट्रीम को लेकर? यस सर, सर एक्चुअली मुझे चूज़ करना है बॉटनी स्ट्रीम, बट ड्यू टू लैक ऑफ पीपल की नॉलेज और मेरे को उतनी गाइडेंस नहीं मिली उस स्ट्रीम के रिगार्डिंग, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मुझे आगे करना क्या है। मतलब इतना पता है कि बॉटनी में करना है, मुझे उसके प्रॉपर रास्ते नहीं बताए गए हैं। और मतलब जैसे कि लोगों को मैं कभी बताती हूँ कि वो सामने से सवाल आता है कि आपको क्या करना है आगे, मैं बताती हूँ कि बॉटनी, और कई लोग उस चीज़ से अनजान होते हैं, मतलब उनको मेरे को समझाना पड़ता है। तो ये जो लैक ऑफ, मतलब ऐसा सराउंडिंग नॉलेज मतलब नहीं है उनके पास, और जैसा हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को कुछ करना चाहिए। जो स्ट्रीम्स एकदम अननोन है उनके, मतलब उनके रिगार्डिंग भी कुछ करना चाहिए ताकि बच्चों के पास वाइडर वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो। यानी कि आपका सवाल ये है कि जब आप कहती हैं कि मुझे केमिस्ट्री में कुछ करना है, हाँ, या बॉटनी में कुछ करना है, तो जब आप, जैसे ही आपने कहा कि मुझे बॉटनी में कुछ करना है, तो सामने वाला पूछता कि ये क्या है? सर वो कभी ये भी पूछते हैं कि इसमें कितनी तनख्वाह मिलती है? हाँ सर, वो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या आप इसमें जा रहे हो, इसमें आउटपुट उतना मिलेगा आपको? तो सर मतलब बच्चों के इंटरेस्ट से ज्यादा सोसाइटी या फिर लोगों को टेंशन होती है कि उसमें आउटपुट किस तरीके का। और ये भी पूछा जाता होगा कि क्या वो बॉटनी में अधिकारी बनते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली सर। तो ये बड़ा सवाल है, और ये एक बॉटनी का एग्जाम्पल तो हमारे सामने है वैभव, लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे चाहते हैं कि वो उसमें जाएं, लेकिन कई बार हमारे घर में ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। अब जैसे एक कहावत भी है, और ये मेरा व्यक्तिगत, इसको आप मेरी जर्नी का एक पार्ट भी समझें, कि शुरुआत में जब मैंने कहा कि मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा कि जॉब क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो मुझे कहा गया कि वो तो ठीक है, लेकिन जॉब क्या करना चाहते हो? तो कई बार ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हम जो चाहते हैं, अगर उसका नॉलेज सामने वाले को नहीं है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो कैसे वैभव इससे निपटा जाए, और ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट तो जो मैं सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आपके एक्शन जो होते हैं वो ज्यादा
आवाज करते हैं आपकी बातों से, तो आप कोशिश करें कि एक अच्छी रिसर्च करके अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि आप ही के फील्ड में कौन लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सर और मैं एक ही बोर्ड पे सवार हैं। जब मैं ऑथर बनने चला तो लोगों ने कहा लिखते तो हो ठीक है, लेकिन एक बात ये बता दो कि पैसे कमाने के लिए क्या करोगे। तो अगर लोगों को जानकारी का अभाव है तो करते क्या हो ना लें, और हम इस बात को समझे कि जो पूरे जमाने को कन्विंस करना हमसे कभी भी नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने टारगेट हिट किया तो यही लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे और ये लोग बोलेंगे कि आपने कुछ बहुत बढ़िया काम करा। इन दोनों सवालों पे कुछ लिखा है मैंने, वो आपको सुना देता हूं और शायद बच्चों को उसके बाद क्लैरिटी आ जाए। युवा हो तुम, किसी नई राह पे चलो, जहां रहा टेढ़ी मेढ़ी उसी ओर चलो। माना भाग्य साथ नहीं देता तुम्हारा तो थोड़ी और मेहनत करो, लक्ष्य अगर नहीं मिल रहा तो अपने भाग्य से अर्जुन सा लड़ो। निराश होकर क्यों ईश्वर को निराश करो, युवा हो तुम किसी नई राह पर चलो। तो जब हमारे युवा एक नई राह पर चलेंगे तब जाके 2047 का भारत, आजादी के 100 साल बाद का भारत डिफरेंट होगा। और चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो राइटिंग, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, 1,00,000 मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बने तो हैं अपने शहर में, लेकिन क्या आप दुनिया के लिए बने हैं या नहीं, क्या आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं या नहीं। अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट है तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। एक इंटीरियर डिजाइनर जो बहुत अच्छा है वो एक खराब डॉक्टर से बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात कही। और इनफैक्ट जो नई जनरेशन है, अब तो उनको कहा जाता है कि आप अपने लिए नौकरी के बारे में मत सोचिए, अब क्योंकि आपको एक एम्प्लॉयर बनना है, अब आप दूसरों के लिए भी नौकरियां पैदा करेंगे, आप में वो क्षमता है, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। तो आपको उस नजरिए से देखना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किताबों का बोझ आप अपने ऊपर लादना चाहते हैं, बट सोसाइटी का एक न जाने कौन सा पेन पॉइंट आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस सोसाइटी के उस दर्द को सॉल्व करना है, उस पजल को सॉल्व करना है, उस पेन पॉइंट को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, किस रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है कि ये अप्रोच अगर हो। एक और हमारे साथ स्टूडेंट है, आपका नाम? मेरा नाम स्वप्निल मोदी है, मैं क्लास 10th, अभी 10th जस्ट पास हुआ और अभी मैं 11th में जाने वाला हूँ, रायन इंटरनेशनल नालासोपारा ब्रांच। स्वप्निल, तो आपने अपना करियर ऑप्शन स्ट्रीम्स वगैरह सब चुन लिया? नहीं, अभी मैं उसमें कंफ्यूज्ड हूँ। जिस तरह अभी लॉकडाउन के समय पर डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो वैसे टाइप का मुझे कोई फील्ड लेना जिसमें मुझे फ़ायदा हो ऐसा, तो उसमें अभी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा फील्ड चुनूँ मैं। कैसा फ़ायदा आप चाहते हैं, पैसे का फ़ायदा? हाँ, सब वही सोचते हैं सर, मोस्ट ऑफ द जितना आउटपुट मिलेगा उतना अच्छा होता है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि जॉब का मतलब, कमाने का मतलब फ़ायदा, जिसमें ज़्यादा कमाई वही अच्छा करियर ऑप्शन हो? सर, अगर ज़्यादा कमाई होगी तो अच्छे, मतलब हम अच्छे पोजीशन पे जाएंगे तो अच्छी फैमिली होगी, तो उस तरह से वैसे ही मैंने सोचा। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही सोचा, और हर छात्र यही सोचता है क्योंकि उसके सामने जो मानक रख दिए जाते हैं नौकरी के, उन मानकों में सबसे ऊपर जो नंबर आता है वो आता है पैसे का, है ना। तो अभी जो स्वप्निल ने बताया, और मैं मिस्टर जोसेफ के पास आना चाहूँगा। मिस्टर जोसेफ, करियर ओरिएंटेड अब दो तरह के अंदर हमारे मन में एक अशांत भाव रहते हैं। पहला, स्टेबिलिटी को लेकर करियर में, एक्सेल करने को लेकर करियर में, मॉनिटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, कि मेरे पास कितने पैसे आएंगे, अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो मेरी फैमिली क्या स्टेबल रह पाएगी, गाड़ी बंगला घर ये सब चीज़ें मुझे लेनी है। और दूसरी स्ट्रीम होती है कि नहीं, मेरे को तो मेरे सुख शांति के लिए, मेरे को अपने अंदर की शांति के लिए ये करियर पाथ चुनना है। तो अभी स्वप्निल जिस राह पे आते हैं वो उनका वो वाला सिद्धांत है कि जिसमें ज़्यादा पैसा मिले। ऐसे में स्वप्निल के लिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या कोई स्ट्रीम है जिसमें ज़्यादा करियर ऑप्शन उनको मिलें, ज़्यादा उनको कम एनर्जी के साथ उनको जल्दी नौकरी मिल जाए और जल्द से जल्द उनका प्रमोशन होता रहे, उनके सपने उनके ख्वाब पूरे होते रहें, गाड़ी बंगला सब आ जाए, ऐसा कोई ऑप्शन उनके लिए, कुछ जिज्ञासा शांत कर पाएंगे आप मिस्टर जोसेफ? आई थिंक स्वप्निल का इंटरेस्ट के बेस में उन्होंने चुना है, राइट डॉक्टर, आई मीन दैट आई थिंक शुड बी द बेसिक इंटरेस्ट। ऑफकोर्स उन्होंने देख लिया कि कोविड में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, काफी हेल्थ केयर काफी शूट हुआ एंड एवरी इंडस्ट्री शट डाउन एक्सेप्ट हॉस्पिटल। सो आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग थिंकिंग दैट हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट नेसेसरी दैट वही प्रोफेशन पैसा देगा, नॉट नेसेसरी, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इवॉल्व हो रहा है। And the way, I mean, now, even AI-driven prescriptions are really gaining more ground. I mean, I was in a country where doctors
are all going through AI and they are entry. When the patient says something, they enter something and the AI is giving data. Now, who's earning more? Maybe not the doctor, but jisne AI ka wo tool banaya hai ya wo offer kiya hai, he is probably earning more. So there are many ways to aap contribute kar sakte ho. So don't hurry into thinking what earns more. I think what satisfies you more or aapka interest ko jo zyada satisfy karta hai and jo impact wo create karta hai, whatever creates an impact will finally generate monetary benefits. The story is all about impact, right? So focus on that instead of closing your mind towards other areas. You know, I want you to keep your mind open till at least grade 12. Another 2 years, there's no rush. You are at least lucky that today you have got so much information across. When we were in school, we were clueless. So do a lot of research like Deepak sir said, and I think that will strengthen you. बिल्कुल बहुत important बात बोली और मैं अपने आप को जब इन बच्चों की अवस्था में रख के देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ये बच्चे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ज़्यादा इनलाइटन्ड हैं और ज़्यादा अवेयर हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है. लेकिन बहुत सारे बच्चों का अभी मानसिक स्तर संभवतः उतना नहीं हो पाया कि वो ये समझ पाएँ कि वो किस स्थिति में या उनको आगे क्या करना है. तो उनका भी एक वर्ग है, उनके लिए हम थोड़ा सा और अभी तक जो हमने बातें करी वो सैद्धांतिक रूप से हमने ज़्यादा फोकस किया चीज़ों पर. अब ज़रा हार्ड कोर रूप में जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आज का शो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे आर्ट्स लेनी, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, कोई मुझे ये बता दो. तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी कुछ स्पष्ट जवाब हमारे पास होने चाहिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए. लेकिन ये हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ. के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर. शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज थी सलाम. आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ. 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा. क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए. कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर. और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में. खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे सी बिजनेस पर. शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज थी सलाम. आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ. 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा. क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए. कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर.
और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, जाल से, तो जी बिजनेस पर आज हम बच्चों के साथ जीवन की बड़ी नाजुक सी पगडंडी पर खड़े हैं और इस पगडंडी का नाम है दसवीं। अब दसवीं के बाद करें क्या, ये बड़ा ऐसा सवाल है जिसे अगर हम दार्शनिक भाषा में कहें तो ये अनिर्वचनीय है, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति दसवीं को कहा जाता है, लेकिन इसीलिए हमने बहुत ही खास मेहमानों का पैनल अपने साथ रखा है जो आज एक एक सवाल का जवाब देंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कौन सी नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि अपने विचारों से हम अपने पेरेंट्स को, इस सोसाइटी को कैसे अवगत कराएं और कैसे एक म्यूचुअल ग्राउंड पर पहुंचा जा सकता है चारों ओर से, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा, और अभी जैसे हम हमने तीनों बच्चों की अभी बात सुनी, ज़्यादातर बच्चे हम ये भी देखते हैं कि कई बार सीधा हमको क्या बनना है इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी हो जाती है, और ख़ास तौर से बच्चों में ये होता है कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे एक्टर बनना है, लेकिन वो पाथ क्या हो, वो रास्ता क्या हो, इस बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो इस समय आप इम्पॉर्टेंट क्या समझती हैं बच्चों को, क्या इस समय, क्योंकि दसवीं बहुत अर्ली स्टेज होती है किसी भी करियर को लेकर, तो अभी बच्चों के दिल में क्या होना चाहिए मैम, मार्ग इम्पॉर्टेंट होना चाहिए या फिर सीधा का सीधा टारगेट आप समझती हैं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो? प्रवीण मैम। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप सिंगर, देखो जब भी आप हटके करियर्स चुनते हैं ना, जैसे आपने बताया सिंगर या आपको व्लॉगर बनना है या कुछ अनयूजुअल चीज़ करनी है, तो उसका कोई सेट पाथ नहीं होता। इंजीनियर बनने का, लॉयर बनने का, ये डॉक्टर बनने का सेट पाथ है, आपको MBBS करना है, उसके बाद MD करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, या आपको BTech MTech करना है। लेकिन अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करियर या हटके करियर करते हैं तो उसमें आपको अपना पाथ क्रिएट करना होता है, खुद क्रिएट करना होता है। और अगर आप 10-15 सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे उस फील्ड में, तो आप देखेंगे कि हर एक ने अपना अपना अलग अलग पाथ चुना है। तो कोई एक सेट पाथ नहीं होता, ना एक सेट सक्सेस का पैरामीटर होता है, ना एक सेट सैलरी तो होती नहीं है, क्या आप कितना पैसा बनाएंगे वगैरह। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। नंबर वन, उस इंडस्ट्री में या उस फील्ड में रिक्वायरमेंट और डिमांड कितनी है, उसमें आपकी टैलेंट कितनी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कहाँ बेस्ड हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप किस टाइप के उस फील्ड में भी आप कौन सा नीश पकड़ रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक दसवीं के बच्चे को तो जनरल अवेयरनेस और जानकारी होनी चाहिए, कोई सेट अभी उस पर कुछ भी फिक्स करने की ना तो ज़रूरत है, आवश्यकता है, ना तो उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि शायद 7 साल या 8 साल बाद जब ये बच्चा उस फील्ड में जाएगा, उस वक्त शायद वो फील्ड का पूरा ढलान, उसका रूप एकदम बदल चुका होगा, तो उसको रास्ता भी अलग अपनाना होगा। विथ ऑल दिस रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, हर एक फील्ड में डिजिटाइजेशन से लेकर बहुत बदलाव आ रहे हैं जो आज आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते। तो अगर आप आज से जकड़े बैठे हैं कि मुझे तो ये पाथ फॉलो करना है, तो फिर तो ये तो दिस इज डिजास्टर। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल। अब यही अच्छा, एक और उदाहरण मैं गीता से दूंगा, इसमें कहा गया कि भाई फल की इच्छा मत कीजिए, आप तो कर्म करते रहिए, हालांकि उसके मायने अलग है, लेकिन कई बार ये होता है कि आप फल के बारे में जब सोच लेते हैं और उसका मार्ग नहीं सोच पाते तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मसलन कोई बच्चा अगर कहता है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है इन्फ्लुएंसर बनने के, वो एक डॉक्टर हो के भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, एक
इन्फ्लुएंसर डॉक्टर, या एक इंजीनियर इन्फ्लुएंसर, या एक एक्टर इन्फ्लुएंसर। तो ये हमें तय करना है कि हमारा मार्ग क्या हो। लक्ष्य भी और मार्ग भी दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमें प्रवीण जी की बातों से यही समझ में आया। अब जरा कुछ बच्चों के और सवाल ले लेते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। आपका नाम? सुजल चौधरी, फ्रॉम राहुल इंटरनेशनल स्कूल। सुजल, आपके मन में कोई सवाल? मेरा ये सवाल है कि 10th के परसेंटेज मैटर करते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? कि मतलब अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या मैं साइंस नहीं ले सकता, मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे? ये परसेंटेज वाली बात ये कितना आपके उसमें चर्चा में आता है, कितना डिस्कस होता है ये परसेंटेज वाला? सबसे ज़्यादा यही परसेंटेज ही डिस्कस होता है हर बार। अच्छा, इससे फैमिली वालों का प्रेशर है या फ्रेंड्स का भी प्रेशर होता है? फैमिली वालों से तो ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है इस पर। सोसाइटी में कौन आते हैं? सोसाइटी में ऐसे लोग आते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं आज तक, या जो आपको रोज़ मिल रहे हैं वो सोसाइटी आप मानते हैं? दोनों ही, मतलब सब बोलते हैं आके कि कितना आया 10th में। मैंने सुजल से ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो सोसाइटी नाम का एक शब्द जब बोलते हैं तो कई बार हमारे सामने वो लोग होते हैं जिनको हमने आज तक नहीं देखा। हम उन लोगों के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनको हम शायद कभी जानते भी नहीं हैं। तो ये एक ऐसा प्रेशर है, और मैं वैभव जी के पास आना चाहूँगा। वैभव जी, ये एक ऐसा सवाल है, और खासतौर से परसेंटेज का, इसमें सारी दुनिया सैद्धांतिक रूप से तो मानती है। आप किसी भी पेरेंट्स को बैठा दो, नहीं नहीं मार्क्स की तो कोई इशू ही नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देखो, अरे किसने कहा मार्क्स इंपॉर्टेंट है? नो, करियर इज इंपॉर्टेंट, योर ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट, योर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, कितने नंबर आए। तो ये जो सोच है समाज की कहे चाहे परिवार की कहे, वैभव जी, ये इसका क्या उत्तर हो? देखिए, आपने अभी ब्रेक में जाने से पहले कहा कि सीधे बिना लाग लपेट के सटीक जवाब दूं, तो इसका सटीक जवाब ये है कि पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी समझे कि क्या मार्क्स से एडमिशन होता है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले की तरह 12वीं में बहुत ज्यादा नंबर लाने से एडमिशन होता है? नहीं होता। CUET का एक एग्जाम होता है दुनिया के हर अच्छे कॉलेज के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे विदेश में हो। आजकल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और फिर एक पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में इंटरव्यू होता है। तो जब पूरी दुनिया अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है तो मार्क्स के पीछे एक पागलपन क्यों है, इस बारे में जरूर हमारा दिमाग जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपके मार्क्स आपको बताते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज्यादा आनंद आ रहा है। तो प्लीज स्टूडेंट्स ये चेक करें कि किसमें नॉर्मल सी पढ़ाई करके भी बहुत ज्यादा नंबर आए और कहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके मेहनत करके भी नंबर उतने नहीं आए। तो मार्क्स एकेडमिक रिजल्ट आपको मदद करती है पहचानने में कि कहां अच्छा जा रहा है कहां बुरा। लेकिन कैदी थोड़ी ना हो कि मार्क्स से पहचाने जाओगे, नंबर से पहचाने जाओगे। जेल में नंबर मिलता होगा, लाइफ में नहीं मिलता। तो आप इस बारे में बात याद रखें कि अगर आप एप्टीट्यूड में अच्छे हैं, लैंग्वेज स्किल्स में अच्छे हैं, तो सब कुछ होगा। एक बेसिक सी बात है कि अगर आप बोल अच्छा सकते हैं, अगर आप लिख अच्छा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में सक्सेसफुल होंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मार्क्स की टेंशन को छोड़िए। वैसे भी अब आप 10वीं का एग्जाम दे चुके हैं, जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, और एक ही बात को याद रखें, जो पढ़ने में आपको मजा आया, बीत गई सो बात गई, आपको लगा आप ज्यादा जीवन बदल पाएंगे, वहां दिमाग लगाइए। और एक चीज और, ये नहीं कि मार्क्स को आपने हल्के में लेना शुरू कर दिया, और आपसे पूछा गया कि आप मार्क्स को हल्के में क्यों ले रहे हैं। हमने जी बिजनेस पे एक शो देखा था, उसमें कहा था कि मार्क्स कुछ नहीं होते, तो ये भी सोच नहीं रखनी है। आपका नाम? मेरा नाम परिमल सिन्हा है, मैं रायन इंटरनेशनल नाला सोपारा से। तो परिमल, आपके मन में कोई सवाल करियर को लेके या 10th के बाद क्या करना है इसको लेके? मतलब आजकल जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए, बहुत ऑप्शंस आ गए, तो बहुत बार मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करियर उनको चूज़ करना चाहिए, और कई बार आप आपके फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके गलत ऑप्शन ले सकते हो। तो फिर ये कैसे आपको नहीं करना चाहिए, आपको करेक्ट करियर गाइडेंस किससे ले सकते हो आप, कौन सा स्ट्रीम आपको चूज? एब्सोल्युटली, यानी कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, और ये मुझे लगता है कि हमने इसको शुरू में मिस किया, लेकिन बुनियादी सवाल ये भी है कि आप स्टेट ऑफ माइंड में कब आएंगे, कैसे आएंगे आप? हम कह तो सकते हैं अरे इनकी मत सुनो, अरे उनकी मत सुनो, तो फिर किसकी सुनो? तो ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे आएगी प्रवीण मैम, कि मैं चूज कर सकूं कि मुझे क्या करना है और मैं इन्फ्लुएंस ना हूं किसी से? स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ गहरी जानकारी से आएगी। जब तक आपको खुद को जानकारी नहीं है, और आप इस तब क्या होगा, इफ यू डोंट हैव योर ओन नॉलेज, आप इसकी भी सुनोगे, उसकी भी सुनोगे, उसकी भी सुनोगे, और एंड में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो अपने आप को परखो कि मैं ऐसा क्या काम है जो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, कम से कम 10-15 साल कर सकता हूँ। उसके लिए जो पढ़ाई मुझे करनी है,
वो पढ़ाई क्या मेरे बस की है कि नहीं। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी अब तक हमने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि मार्क्स मैटर करते हैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट के लिए नहीं जितने स्कूल के लिए। आपको सपोज़ एक स्टूडेंट दसवीं का है और उसको साइंस लेना है, लेकिन स्कूल अपना डंका बनाने के लिए कट ऑफ बहुत हाई रखती है साइंस के लिए, तो वो आपको लेने ही नहीं देगी। सो उसमें आपकी मर्जी या आपके पेरेंट्स की मर्जी काम ही नहीं आएगी। आप कोई भी टॉप स्कूल देख लें दिल्ली का या इंडिया का, वो एक हाई कट ऑफ रखती है साइंस देने के लिए या कॉमर्स विथ मैथ्स देने के लिए। तो आप जितना मर्जी सिर फोड़ लो, लेकिन अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपको वो स्ट्रीम मिलेगा नहीं। दूसरी बात, टू सम एक्सटेंट इनफैक्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो हम जिसका जिक्र वैभव भी कर रहे थे, हमने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब शुरू कर दिए हैं, उसको कई दूसरी यूनिवर्सिटीज भी अडॉप्ट कर रही हैं, तो ये जो मार्क्स का ये जो प्रेशर है ये भी शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी बचा हुआ है लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक और एंट्रेंस एग्जाम, अभी तो 10th दिया, तो क्या अब कॉलेज में एंट्रेंस के लिए भी कोचिंग करनी पड़ेगी? तो इस तरह के सवाल आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जो हमने वादा किया था ब्रेक पे जाने से पहले शुरू में कि कुछ सीधे सपाट सवाल उनको लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम आजकल अच्छी है, बेस्ट है करियर वाइज, इस पर निगाह डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज थी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे सी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज थी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका जी बिजनेस। तो कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो ये पनघट जो है इस वक्त दसवीं से बड़ी पनघट कोई हो नहीं सकती, और इस पनघट पर आज जमावड़े में हम सब बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमारे साथ बच्चे बैठे हैं, और बहुत इस देश के विद्वान करियर काउंसलर्स भी बैठे हुए हैं। तो इस पनघट पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट चलते हैं बच्चों के पास, उनके मन में अगर कोई और सवाल हो तो। आपका नाम? ईशान सिंह फ्रॉम सेक्रेट हाई स्कूल नाला सपारा। आपके मन में क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, पर्टिकुलर चीज़ में मैं वही करूँगा बड़े होके, बट कोई कोई होते हैं जो मतलब उनको लगता है मैं इसमें भी अच्छा हूँ उसमें भी अच्छा हूँ, तो वो एक आता है मतलब मन में कि हाँ मैं इसमें भी अच्छा हूँ उसमें भी अच्छा, क्या करूँ? तो वो नहीं समझ में आता कि मतलब मैं IIT करूँ कि क्या बोलते हैं मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो क्या बनना है वो? तो यानी कि कम्प्लीटली ऐसी स्थिति है कि कुछ आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको कि हम किस में जाएं। तो ऐसे में मैं हमारे मेहमानों के पास बाद में जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ऐसी स्थिति में आप आ गए या अगर हैं,
तो अगर कोई कुछ नहीं बता रहा है आपको तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं तो ये देखूंगा क्योंकि मेरे को तो दोनों पसंद है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा ये रहेगा, हो सकता है मुझे आगे जो ज्यादा ये। ऐसा तो नहीं है कि मेरे फ्रेंड ने जिसमें स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया मैं भी उसी में चला जाऊँ? ना, ऐसा कुछ नहीं है। या मेरे मम्मी पापा ने ही बोल दिया तो चलो, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। हाँ। एक तो चुनना ही था तो चलो मैंने यही चुन लेते, तो यही कैसे चुनेंगे आप? वही मतलब ये क्वेश्चन था कि मतलब नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है ये भी आता है मुझे, वो भी आता है, दोनों तो एक साथ कर नहीं सकते। बहुत बढ़िया, ये कन्फ्यूजन इस वक्त पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है। वैभव जी, इसका कोई जवाब आपके पास? मैं बड़ा प्रैक्टिकल मेथड सिखाता हूँ और जरूर आपको फायदा होगा। अगले 2 से 3 दिन आप ये देखें कि 11वीं के उन टॉपिक्स की किताब उठा के देखें या ऑनलाइन वीडियोज देखें और फिर अपने फैसले को आप ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 10वीं की मैथ्स और 11वीं की मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क है, 10वीं की बायोलॉजी और 11वीं की बायोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। 2-3 दिन अपने आप को दीजिए, जरा देखिए वीडियोस देख के, जरा देखिए किताब खोल के और पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश कीजिए और यकीनन आपको अंदर से आवाज आएगी कि किस चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल थे और कहां आप ज्यादा अच्छा कर पाए। एक बात फिर से याद रखें, कोई भी ऐसी डेफिनेट लाइन नहीं है जिसमें ज्यादा पैसे हों। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, आजकल कई सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जिसमें आप एक काउंसलर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी आगे की राह क्या हो। आजकल स्कूल्स में भी काउंसलर्स होते हैं जो इस बारे में एक्सपर्ट्स होते हैं और आपके बारे में इस बारे में वो आपको ज्यादा समझते भी हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, सारे स्टेक होल्डर्स को रखिए लेकिन खुद अपनी रिसर्च करिए, कुछ ऐसे डॉक्टर्स से बात करिए जिन्होंने अभी अभी अपनी डिग्रीज पूरी करी है और प्रैक्टिस शुरू करी है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो किसी इंजीनियर से ऐसे बात करिए जो अभी अभी अपनी जॉब पे लगे और अभी अभी कॉलेज पूरा कराए। जब इस तरह के लोगों से आप बात करते हैं तब आप पाते हैं कि वाकई वो फील्ड कैसा है। थोड़े से रिसर्चर और करियर काउंसलर खुद बनने की कोशिश करिए और अपने आप को ये अलाउ कीजिए कि अगर आपका चुना हुआ डिसीजन कुछ समय बाद अगर गलत हो भी गया तो उसमें अपने आप को फिर सजा नहीं देनी है। उतना आप स्पेस रखिएगा कि हो सकता है आज जो आपने डिसीजन लिया है वो बाद में आप उसको बदलें या बदलने की अवस्था आए। मैं फटाफट से और क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आपका नाम? धन्या बिलावा फ्रॉम मुलजीभाई मेहता इंटरनेशनल स्कूल। धन्या, आपका सवाल क्या है? सर, अभी हमारे पास जैसे 3 स्ट्रीम्स है, हर बार साइंस को ही बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब भी हम पेरेंट्स के सामने या सोसाइटी के सामने डिस्कस करते हैं कि हम कॉमर्स या आर्ट्स लेने वाले, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आप कॉमर्स क्यों ले रहे हो, आप आर्ट्स क्यों ले रहे हो, तो ऐसा क्यों है? एब्सोल्युटली, यानी कि जो स्ट्रीम को जो तवज्जो देने की जो धारणा है सोसाइटी की, उस पर सवाल। आपका नाम? मेरा नाम सुभाषिनी बालमुर्गन है और मैं सेंट फ्रांसिस डिसेल स्कूल से हूँ। सुभाषिनी, आपका सवाल? मेरा सवाल है कि मतलब अब हमने एक डिस्कस किया एक गोल, तो आगे जाके हम वो फ्यूचर में बदल सकते हैं वो गोल, हम आगे मतलब वो बदल सकते हैं गोल कि हम सक्सेसफुल होंगे तो भी, हम ऐसे बोलते हैं कि एक गोल ले लिया तो ही सक्सेसफुल बनोगे आप। एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल ये सवाल आपस में जुड़े हुए भी हैं। मिस्टर जोसेफ, ये जो स्ट्रीम को लेकर जो सवाल पूछा जाता है, एक तो सीधा सीधा कि ये हर बार साइंस को तवज्जो देना, मुझे लगता है कि थोड़ा तो हम बाहर आए हैं उससे, लेकिन क्या अभी भी हम उसमें फंसे हुए हैं? नंबर वन। और नंबर टू, जो सुभाषिनी का जो सवाल था कि अगर एक गोल पे ही चिपका रहना, जो कहते हैं ना कि फुली डेडिकेशन डिसिप्लिन, और कई बार हम एक 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 अंधी दौड़ में एक बच्चे को धकेल देते हैं कि हमेशा डिसिप्लिन रहिए, पाथ से अडिग मत होइए, एक गोल को पकड़ के रहिए जब तक सफलता ना मिली, तो ये भी ठीक है क्या? तो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो साइंस जो है, राइट, आई थिंक एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हमने हमारा जो सिस्टम और जैसा हम लोग का अपब्रिंगिंग हुआ है, हमने एक्चुअली वो पास ऑन किया है, दैट फियर वी हैव पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। इफ यू सी जो कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम का भी डिमांड हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड इफ यू सी मेनी यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड, आई मीन देयर इज अ यूनिवर्सिटी ओनली ऑन आर्ट व्हिच इज ऑन ह्यूमैनिटीज, तो ऐसे स्ट्रीम्स खुल के आ रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिधर इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइंस कॉमर्स एंड आर्ट, राइट, दैट इज हाउ द फ्यूचर इज, बिकॉज ताकि आप थोड़े मैथ्स भी सीखे, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी सीखे, थोड़ा ह्यूमैनिटीज के टॉपिक्स भी आए, बिकॉज दैट इज हाउ यू बिकम बेटर स्टूडेंट्स एंड बेटर प्रिपेयर टू वर्क। वेन यू गो टू वर्क you don't have multiple talents or skills ki zarurat padti hai, to uske liye ek stream akela will not help you a lot. Secondly, being focused on goal, yes, parents dete hain goal, schools dete hain goal, hamara self goals hota hai, but I think we have to be very very the research skills has to be very very good,
Like I think Weber sir was talking about lifelong learning. You need to continuously keep learning and be very aware, because the world is changing so fast that no one is able to catch pace that kya career hoga and what is going to be important. So yes, you stick on to your goal, but start looking at multiple areas and start developing multiple skills. Absolutely. एक स्टैक होना चाहिए. There is a book on it known as talent stack. आपका एक talent stack होना चाहिए ready, which should always help you at work. एब्सोल्युटली. और एक अमेरिकन साइंटिस्ट है हबन, उनकी थ्योरी है टाइम ट्रैक की. तो अगर हम आज दसवीं में किसी एक गोल को पकड़ के हम उस टाइम में स्टक हो गए, तो 18 साल बाद अगर हम खुदा ना खास्ता वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो हम जब टटोलेंगे अपने आप को तो पता चलेगा कि हम 2023 के उस टाइम में स्टक हैं जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये बनेंगे. तो ये टाइम में स्टक भी नहीं होना है, और जैसा कहा गया है कि अपने आप को तैयार रखना है. और सबसे बड़ी बात जो मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा यही अवधारणा होती है कि अपने आप को सीमित मत कीजिए. जिस दिन आपने सीमित कर दिया, आपका सोचने का दायरा, आपने काम करने का दायरा भी सीमित हो जाएगा. और यदि उस सीमित दायरे में रहकर अगर आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं या आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो आप अपने आप को सजा देने लगते हैं. तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने को फ्लेक्सिबल रखना है, सीमित नहीं रखना है. जाते जाते फटाफट से कोई एक और सवाल कोई पूछना चाहेगा. हाँ सर, मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो, नीट दो, जेई करो, इंजीनियर बनो. कोई ऐसा क्यों नहीं बोलता कि प्रधानमंत्री बनो, नेता बनो? सर वो चीजें नहीं होती है. प्रवीण जी, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया कि हम सब चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने. लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए एक देश के, एक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हुआ, कि हम हर बच्चे को चाहते हैं कि वो अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने. लेकिन इस देश में जिनके हाथों में हमारा भविष्य है, यानी कि जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, हम इसे कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा नेता बने. ऐसा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक ही बन सकता है ना, चीफ मिनिस्टर तो एक ही बन सकता है, जबकि इंजीनियर्स बहुत सारे बन सकते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे बन सकते हैं. तो इसलिए जब हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हम वो करियर नहीं, को देखते हैं. तो विधायक तो कई कई हैं मैम, सांसद भी कई हैं, पर एक वही बनने के लिए एनकरेज करें हम अपने बच्चों को. डॉक्टर भी विधायक ना ना ना, पहले आपको कुछ करना है ना, अपने हाथों से काम करना है. तो आप एक डॉक्टर बन के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक साइंटिस्ट बन के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं. तो ये चीजें बनने के लिए, देश का नेता बनने के लिए कोई सेट करियर पाथ नहीं है. आप कुछ भी करके बन सकते हैं, और अगर नहीं देखिए, प्रजा ज्यादा होती है और राजा एक. तो अगर आप ऐसा अपना लेवल बढ़ाते हैं, स्किल सेट बढ़ाते हैं कि आप उस लेवल पे पहुंचे, तो जरूर आपको लोग राय देंगे कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं. अपना दायरा, अपना सर्किल बढ़ाइए. एक न्यूज एंकर बनते हैं तो गीता से शो को शुरू करिए और फिर टाइम ट्रेवल तक जाइए जैसे दीपक जी गए. अगर आप अपना दायरा बढ़ाएंगे तो जरूर आप प्रधानमंत्री बनने का भी सोचेंगे. यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी देश की प्रजा होती है. आप भी प्राइम मिनिस्टर की तरह मेहनती बन जाइए और सब हो जाएगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. और राजा बने हमारे ये बच्चे जो हैं, पूरे संसार को संभालें. बड़े दुख हैं, बड़े विकार हैं संसार में. हम तो चाहेंगे कि हमारी ये जो पीढ़ी है ये राजा की गद्दी तक पहुंचे, अपने अपने फील्ड्स के राजा बने. एक राजा नहीं हो सकता इस पूरी दुनिया का. अपने अपने फील्ड्स के राजा बनिए, संभालिए. बहुत दुख तकलीफें समाज में, और पहले वहां तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कीजिए. जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, हम उम्मीद करते हैं आज उन कन्फ्यूजन्स से कुछ पर्दा हटा होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, यही उम्मीद करते हैं. और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम दसवीं के, बारहवीं के, ग्यारहवीं के हर बच्चे को जो आगे अपने करियर में बढ़ रहा है पूरे जोश के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. जी बिजनेस की इस खास पेशकश में इतना ही. थैंक यू सो मच. क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए. कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर. और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी. यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ
ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360 सोमवार से शुक्रवार जी बिजनेस। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते? नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फिक्स्ड इनकम को सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है, तो आज हम बताएंगे कैसे आप डेट निवेश से भी वेल्थ कमा सकते हैं, कौन सी फिक्स्ड इनकम कैटेगरी बढ़ी हुई ब्याज दरों में फायदेमंद रहेगी, और डेट फंड या फिर FD निवेश के लिहाज से क्या है ज्यादा आकर्षक। इस पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के CEO कीर्तन शाह हमारे साथ हैं। उनसे फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मौजूदा हाल में, और इनफैक्ट हमारे साथ संदीप बागला भी शामिल हो चुके हैं शो में, CEO ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है। संदीप जी और कीर्तन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौजूदा हाल में डेट आपको वेल्थ कैसे कमा कर दे सकता है, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारा फोकस फिक्स्ड इनकम और डेट की तरफ रहने वाला है। संदीप जी, सबसे पहले अभी ये टाइम आपको डेट में निवेश के लिए कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिक्स्ड इनकम निवेश के इर्द गिर्द जो काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं डेट निवेश पर। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ब्याज दरें ही हैं, और यही लग रहा है कि अब शायद एक स्टेबिलिटी की तरफ या स्थिरता की तरफ हम आने वाले हैं ब्याज दरों में। तो ऐसे में ऊंची ब्याज दरों में डेट की हिट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, जो भी ब्याज दरें हैं उनको हमें देखना चाहिए कि आज से एक साल बाद या पाँच दो साल बाद इन्फ्लेशन क्या रहेगा। तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो ब्याज की दरें हैं वो इन्फ्लेशन या जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं उसको बीट करके हमें सही रियल इंटरेस्ट दे सकती है कि नहीं। आज अगर हम देखें तो आज का 10 साल का बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो करीब 7.35 या एनुअलाइज देखें तो 7.5% पे है, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो 8 से 8.5 के बीच में। और जो हम एक साल की अगर हम देखें कि आगे इन्फ्लेशन